गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ओके, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसके स्टडी दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया होगा, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो सारे वीडियोज़ इसके डले हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिएगा और सारे वीडियोज़ वॉच करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर डिस्कस करते हैं हम लोगों की आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको पता ही होगा कि हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन जो है दोस्तों पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हालांकि ये मैं पढ़ा चुका था लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनका कमेंट आया हुआ था कि सर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू दी है तो उसका हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं ये बता दीजिए, ठीक है। इसका मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था इसके जस्ट पहले, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रूट एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन बताया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ओके। और आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं रूट साइन एक्स का, किसका, रूट साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी तो ये आपको ज़रूर से बना होगा, ठीक है, लेकिन नहीं की होगी तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, हम लोग आप लोगों को क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप वो सभी पीडीएफ नोट्स आप लोगों तक पहुँचते होंगे, और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ठीक है ना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने बेल आइकन प्रेस किया है, ठीक है, और प्रेस करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम एफ एक्स के जो है बराबर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप उसको एफ एक्स के बराबर जो है कंसीडर कर लें, मान लें इसको। तो मैंने इसको मान लिया साइन एक्स, ठीक है, ये रूट के अंदर है। हालांकि मैं साइन एक्स का बता चुका हूँ, जब वो रूट के बाहर हो तो कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर हो तो कैसे करेंगे ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। चलिए इसको मैंने क्या करा दोस्तों, एफ एक्स के बराबर कंसीडर कर लिया, मान लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज रहता है उसमें हम लोग एक्स के बराबर एक्स प्लस एच जो है रख देते हैं, या मैं कह सकता हूँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग एच जोड़ देते हैं। तो यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, ओके, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स की जगह एक्स प्लस एच, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, हमारे पास एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन करने का, और आई होप अभी तक तो आप लोगों ने इस फार्मूले को याद ही कर लिया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों डी वाई अपान डी एक्स और फलन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट, इसके बाद होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फलन एफ एक्स प्लस एच माइनस फलन एक्स बटे एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और फलन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व, लेकिन पहले तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना सारी की सारी। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ये रहा, कितना है दोस्तों साइन एक्स प्लस एच, और ये रूट के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस ये रहा एफ एक्स का वैल्यू जो कि कितना है रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, बटे एच है तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इसका परिमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा परिमीकरण करना पड़ेगा। तो परिमीकरण कैसे करेंगे, जो ये ऊपर वैल्यू है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी कि यहाँ से करा देंगे साइन एक्स प्लस एच और प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे कर देंगे तो रूट
साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, ये होगा इसका परिमेयकरण। चलिए अब इसके बाद यहाँ से लगा दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये देखिए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दूं, यानी कि साइन एक्स प्लस एच, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं साइन एक्स, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एच का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, या आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, और प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको शो हो रहा होगा, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देखिए बिल्कुल इजी था। चलिए अब आगे देखिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा करके इतना कर दिया, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिए जो लेफ्ट में है वो हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, तो क्या होता है, माइनस में है मतलब टू कॉस आएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू, इन दोनों को जोड़ करके दो से भाग देना है, तो एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ टू एक्स प्लस एच बटे दो, ठीक है ना, सी प्लस डी बटे दो इंटू, अब साइन करना है तो सी माइनस डी अपॉन टू करना, यानी इससे घटाना है इसको, तो जब इससे घटाएंगे तो माइनस एक्स से माइनस का प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा एच, तो एच बाई टू बचेगा केवल, ठीक है। चलिए नीचे है आप लोगों का एच और यहाँ से साइन एक्स प्लस एच, देखिए अब आपको फार्मूला जो है याद नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर पड़ सकती है, सो प्लीज़ करके फार्मूला आप लोग ज़रूर से याद कर लें, ओके, इतना हो गया। चलिए अब दोस्तों यहाँ हम इसमें दो से भाग दे सकते हैं, देखिए जब मैं दो से यहाँ भाग दे दूँगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, टू कॉस एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा, मैंने दो का इसमें भाग दे दिया, ओके, इन टू साइन एच बाई टू, तो ये हो गया बटे यहाँ एच है और रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच, ओके, प्लस यहाँ से हो जाएगा रूट साइन एक्स, ठीक है। और दोस्तों कल का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग टेन एक्स का भी स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। चलिए इतना आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ आप लोगों को कुछ दिख रहा हो, यहाँ पर है साइन एक्स, इसको हम पूरे को एक्स मान सकते हैं ना, एच बाई टू को, तो साइन एक्स और बटे हमें एक्स और मिल जाए तो उसका वैल्यू वन होता है, इसके लिए मैंने क्या किया, दो से गुणा और दो से भाग करा दिया, ठीक है, दो से गुणा और दो से भाग क्यों करा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से मिल जाएगा साइन एक्स बटे एक्स, जिसका वैल्यू वन हो जाएगा, यानी कि साइन एच बाई टू और होल बटे एच बाई टू, इसका वैल्यू मैंने वन कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ से, ये तो देखिए इतना ये वैल्यू और इतना वन में चला गया, बचा दो, तो मैंने दो से इस दो को काट दिया, यानी कि ऊपर मेरे पास कितना बचा, और देखिए लिमिट भी है तो लिमिट यहाँ से लगा लीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, यानी कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ ऊपर बच गया दोस्तों कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, और नीचे बचा केवल इतना रूट के अंदर कितना, साइन एक्स प्लस एच और प्लस साइन एक्स, इतना आपके पास बचा हुआ है। चलिए अब देखिए लिमिट आप लोग दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, तो लिमिट रखने पर यहाँ साइड में लिख लीजिए लिमिट रखने पर, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे तो जहाँ एच वहाँ जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, यानी कॉस एक्स कितना बच गया, कॉस एक्स, करेक्ट। अब देखिए यहाँ रखेंगे एच जीरो, यानी बचा साइन एक्स, रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये पहले से साइन एक्स है, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर नोट कर दूँ, कॉस एक्स ये हो जाएगा टू रूट के अंदर साइन एक्स, और लेफ्ट में क्या आ रहा था हमारा, लेफ्ट में आ रहा था डी वाई अपन डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, तो साइन एक्स का यही तो होगा, पहले रूट का करेंगे, तो रूट का क्या होता है वन अपान टू, ठीक है, वन अपान टू और रूट के अंदर एक्स, सो एक्स का वैल्यू तो हमारा साइन एक्स है, तो वो हो गया, देन आफ्टर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, तो देखिए वही आपका आ चुका है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों आपका रूट के अंदर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन।
कॉस एक्स और बटे में टू रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से इसका एक बार रिवीजन मार लेते हैं स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन था रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो जहां एक्स है वहां मैंने एक्स प्लस एच रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, जहां एक्स था जब एक्स प्लस एच रखा तो यहां हो गया एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन रूट के अंदर है एक्स प्लस एच। इसके बाद मैंने फॉर्मूला यूज किया डी वाई अपन डी एक्स और फलन एफ एक्स। ठीक है, इसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक है, जहां एफ एक्स प्लस एच था वहां मैंने ये वैल्यू रख दी रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच, माइनस जहां एफ एक्स था वहां मैंने वैल्यू रख दी साइन एक्स और वो भी रूट के अंदर बटे एच था वो मैंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने परिमीकरण करा दिया, जिसके लिए मैंने क्या किया, जो ये ऊपर वैल्यू थी उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दिया। जब मैंने ऊपर नीचे गुणा करा दिया तो यहां बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, माइनस यहाँ से जो है इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा साइन एक्स और बटे एच और इंटू में जो पूरा टर्म है वो ये रहा। ठीक है, इसके बाद मैंने फॉर्मूला यूज किया साइन सी माइनस साइन डी का, यानी कि टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, और बटे में जो था वही है। इसके बाद मैंने क्या करा, दो से यहाँ भाग दे दिया तो यहाँ एक्स प्लस एच बाई टू बचा इंटू और ये जो बाकी का टर्म है वो ये रहा, बटे में जो था वो ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन एक्स और बटे में अगर एक्स आपका आ जाता है लिमिट जब पढ़ाया था तो इसका वैल्यू वन होता है। ठीक है, अब यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है लेकिन जो हो वही बटे में हो। तो यहाँ पर एच बाई टू था लेकिन यहाँ नीचे एच बाई टू नहीं था तो हमने दो से गुणा दो से भाग कर दिया। ठीक है, सो इसके कारण हमारा एच बाई टू जो यहाँ था वो भी नीचे हमारा बन गया। ठीक है, सो इसका वैल्यू हमारा वन हो गया। तो यहाँ जब दो आपका आ गया तो इस दो से हम इस दो को भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया कॉस एक्स प्लस एच और बाई टू ये रहा और बटे में ये जो पूरा टर्म है आपका वो सेम ये रहा। ठीक है, कहाँ रहा, ये रहा पूरा का पूरा। इसके बाद दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं था, जो लिमिट थी एच टेंस टू जीरो वो रख देनी थी तो मैंने रख दिया यहाँ लिमिट। तो जहाँ एच वहाँ जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो यानी कॉस एक्स और बटे साइन एक्स प्लस ये भी साइन एक्स, तो कॉस बटे टू साइन एक्स और वो भी रूट के अंदर। ठीक है, सो ये डिफरेंशिएशन होता है आपका रूट साइन एक्स का। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका फाइनल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जो कल आपका लेक्चर आने वाला है जिसमें हम रूट टेन एक्स का देखने वाले हैं, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, सो आपके 7 से 8 क्वेश्चंस वो वाले हो जाएंगे, 3 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, यानी 11 क्वेश्चंस। इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, ठीक है, जो मैंने बता दिया इससे क्वेश्चन अब आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने दोस्तों ये आपका देखिए बता दिया साइन एक्स का, तो अगर आप लोगों को कॉस एक्स का कह दिया जाए तो क्या नहीं करेंगे आप लोग, कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, कल अगर मैं टेन एक्स का बता देता हूँ तो फिर आप लोग क्या है कॉट एक्स का भी ईजिली कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको क्या है कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है ना, बिल्कुल यही मेथड यार आपको यूज़ करना, जो देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बता दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और आपको अगर आपको चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ नोट्स, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक करना होगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होगा तभी वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और तभी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और तभी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए इतना तो आपको करना ही होगा अगर आप लोग बेनिफिट्स जो है थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो। चलिए फिलहाल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर कैसा लगा ज़रूर से बता देना। ठीक है, कमेंट एक अच्छा सा ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों। Oh, 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 oh